हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का स्केच बनाएंगे। तो इनका स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक ब्लैक पेन लिया है, जिससे इनकी इनका फेस हम साइड में करके बना रहे हैं। तो इनकी हमने एक आंख बनाई है साइड में, फिर उसके बाद उनकी नोज़ बनाई है। अब हमने इनकी दूसरी साइड की आइज़ बनाई है, उस पर हमने आईब्रो बनाई है। और ऐसे इन्होंने आँखें थोड़ी सी जैसे सिकोड़ कर रखी है, तो आँखों पर स्केचेस दिखाए हैं। और फिर हमने इनकी कैप बनाई है। अब हम इनके हेयर ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने इनके ईयर बनाए हैं। और हेयर बनाने के बाद में हमने इनके चेहरे पर छोटी छोटी लाइनें बनाई हैं। और अब हम इनके लिप्स बनाएंगे। इस तरीके से इनके लिप्स बन गए हैं। अब हमने इस तरीके से इनके नेक को शेप दिया है। अब हम इनमें छोटी छोटी लाइनें बनाकर इनके शोल्डर बनाएंगे। दोस्तों देखिए, इनका स्केच कितनी आसान तरीके से बनके तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ी सी ये खाली जगह दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अब हम इनका बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख देंगे, मैथिली शरण गुप्त, जिससे ये जगह भरी हुई भी दिखाई देगी और इनका स्केच भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने शरण लिखा है, इसके बाद में हम गुप्त लिख देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अब हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी तरीके से अब हम और भी वीडियो नई नई लाएंगे। ओके, बाय बाय।